हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. गाइस, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले. इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा. ओके, किसी ने क्वेश्चन पूछा था एक्चुअली कि मैम, हमें जो नेचुरल वे में मेरा पर्सन प्यार कर रहा है माना, वो प्यार अच्छा है या हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं वो हमारी लाइफ में आ जाए तो वो अच्छा रहेगा, या वो जो हमें नेचुरल तरीके से प्यार कर रहा है. तो इसमें मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ. अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करते हैं, यानी कि आप उसको अपनी एनर्जी दे रहे हो यूनिवर्स में, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको एनर्जी वापस करेगा, लेकिन वो चीज़ आपके कर्मा में नहीं है. बट थोड़ा टाइम बिंग के लिए अगर वो पर्सन आपके लिए हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, साल भर हो सकता है, कुछ महीने आपकी लाइफ में आ जाए और आपको बहुत पैम्पर करे और आपको लगे बस यही है मेरा लाइफ पार्टनर और ये इसके अलावा मैं कहीं जा ही नहीं सकती या जा ही नहीं सकता, आपको ऐसा भी फील होगा. बट धीरे 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 वो जो मैनिफेस्टेशन पावर थी आपकी, जो आपने मांगी है, ना कि आपके कर्मा में वो लिखी हुई थी, ठीक है, वो ऐसे, क्योंकि प्यार को तो मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपके लिए बना है, जो आपकी ही जो डेस्टिनी में आपके लिखा हुआ है ना. इसलिए हम कहते हैं कि भगवान से हमेशा ऐसा मांगो कि ईश्वर, मैं आपसे मांग तो रही हूँ, बट अगर ये अच्छा है मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए तो ही देना, अगर ये कुछ थोड़े टाइम के लिए मेरे लिए अच्छा रह सकता है, उसके बाद फिर मेरे को ऐसे ही दुख झेलना है तो मुझे नहीं चाहिए. समझ गए आप? तो ये फर्क है. मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट करके तो आप अपने डीएम को भी अपने तरफ लेके आ सकते हो कुछ थोड़े दिनों के लिए, लेकिन फिर वो वापस चले जाएंगे, फायदा कुछ नहीं है ना. तो ऐसी जो आपको इंसान प्यार कर रहा है ऑलरेडी, अगर आपको प्यार करता है, अनकंडीशनल प्यार करता है, हर टाइम तो आपको पैम्पर नहीं कर सकता ना इंसान. प्यार क्या होता है? अनकंडीशनल होता है, आपकी केयर करना, कंसर्न आपके लिए रखना, है ना. वो जो प्यार है वो आपका लाइफ टाइम तक रहेगा. आपको अंडरस्टैंड करना, आपकी फीलिंग्स को समझना, आपकी भावनाओं को आपके कहने से पहले ही समझ जाना, तो वो प्यार चाहिए या 24 4 दिन की चांदनी वाला और फिर खिड़की से भागने वाला प्यार चाहिए, है ना. तो ये प्यार लाइफ टाइम के लिए होता है. अगर आप बात भी नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है, वो प्यार है ना, वो इज्जत है, वो मान है, सम्मान है, आपकी फीलिंग की कदर करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, तो वो सच्चा प्यार है. अदरवाइज पैम्पर करने वाले, ये फिजिकल अट्रैक्शन एंड सेक्सुअली अट्रैक्टेड, और ये फिर ये सब प्यार नहीं, ये 3D लाइफ का प्यार है. 3D से यानी कि लोअर चक्रास वाला प्यार है, ये कुछ टाइम के, देखो ये सेकेंडरी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन सच्चा प्यार जो होता है, अनकंडीशनल प्यार होता है, वो क्या होता है, निस्वार्थ भाव से प्यार करना, कि आप कैसे भी हो, आप मोटे हो, पतले हो, खराब हो, कैसे भी हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको उतना ही प्यार करते हैं. आप बियॉन्ड द इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशन भी नहीं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वहां तक आपके पार्टनर आपको प्यार, आप ये सोचते हैं यार ये इतना प्यार कैसे करता है मुझे, मैं तो इस तरह की हूं भी नहीं, ये हूं भी नहीं, आप जैसे भी देख लीजिए. तो ये प्यार होना चाहिए. तो ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करके कोई फायदा नहीं है. जो आपको सच्चा प्यार करता है उसी से प्यार कीजिए, जो आपसे प्यार करता है उसी से प्यार कीजिए. ओके, चलिए आज हम देखेंगे कि ट्विन फ्लेम आपके डीएम की एनर्जी क्या है, ट्विन फ्लेम की लाइफ में क्या चल रहा है, यानी कि आपके अदर हाफ सोल जो है, काउंटर सोल, काउंटर पार्ट है जो आपके, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट. तो देखते हैं गाइस, एक कार्ड आ गया है. आपके डीएम की एनर्जी है ये, जो ट्विन जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में. ओके, देखो ट्विंस जो होते हैं हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ लव होता है,
जो इस धरती पर आते हैं सीधे डिवाइन से वो अलाइंड होते हैं, डिवाइन से अलाइंड होते हैं वो, ठीक है। इतना लाइट होता है उनके अंदर कि वो उनको कोई झेल ही नहीं पाता है। बचपन से उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट रही होती है ट्विन फ्लेम जो होते हैं, ठीक है। बचपन में उनके फ्रेंड्स कम होते हैं, होते भी हैं तो धोखा देते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी लाइट होती है कि वो क्या होते हैं कि क्राउड में भी मतलब क्राउड में भी चमकते हैं, यानी कि कोई भीड़ भी है ना उसमें भी वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, चमकते हैं वो, तो उनको इग्नोर ही नहीं कर सकता कोई, इसलिए लोग उनसे उनकी लाइट से ना घबरा जाते हैं और उनको इस तरह का जो बिहेवियर होता है उनके साथ ऐसा होता है, काफ़ी परेशानियां झेल के आए होते हैं वो लोग, तभी जाके तो ये सोल इतनी मास्टर सोल है, इतनी प्योर सोल होती हैं कि किसी का बुरा चाह ही नहीं सकती। डिसफंक्शनल फैमिली होती है इनकी, हो सकता है बिल्कुल किसी की ज़्यादा किसी की कम, बचपन से ही इनको दुख मिलते हैं, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं ये किसी ना किसी तरीके से। ओके, बट ऑन द डैक स्ट्रेंथ, तो आपके जो पार्टनर हैं गाइस, जो आपके डीएम हैं, जल्दी जल्दी बता दूं आपको, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ओवरऑल जो एनर्जी आ रही है मैं बता देती हूँ, आपके पार्टनर है ना स्ट्रेंथ बना के रखियो, क्योंकि अभी जो है ना उनकी अवेकनिंग, यानी कि अभी इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं वो, एक डेथ यानी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में बचपन से परेशानी आई होती है, ये लाइफ टाइम इवेंट है उनके लाइफ है ट्विन फ्लेम्स की, ये चीज़ें आनी ही होती। अब स्पिरिचुअल जर्नी में आए तो तब भी फिर परेशानी आ गई, बचपन से तो वैसी आई होती हैं, ठीक है, यानी कि वॉट लगा रखी है एक तरह से। तो गाइज काफ़ी देखो बहुत इमोशनल नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत आपकी तरफ आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि वो अपनी परेशानी से बहुत परेशान हैं, उनके डीएम हो सकता है अपने पैसों को रिलेटेड, या कुछ उनकी थर्ड पार्टी छोड़ के चली गई है, या उनके घर में कुछ परेशानियां हैं, तो आप यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई अपनी डीएफ की तरफ देख ले देख ले देख ले, पर देखता ही नहीं है ये डीएम महाशय, बहुत बुरी तरह से दिल टूटा हुआ है इनका। कुछ लोग के जो पार्टनर हैं बिल्कुल देखो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं और बहुत एक्सपीरियंस, यानी कि इतने ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है ना, रिकंसिलेशन भी चाहते हैं जो, लेकिन खुद अब खुद तैयार नहीं है बात करने के लिए, खुद कन्फ्यूज़न में रहते हैं, खुद इतनी ईगो है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा ईगो, ईगो ही मेल्ट होनी होती है एक्चुअली इन लोगों की, ये जो सोल है इनकी कंडीशनिंग गाइज ऐसी होती है, इनको ना ये ईगोइस्टिक बनाया जाता है थोड़ा सा, ये बहुत अपने को बहुत वो समझते हैं, बस मैं अच्छा हूँ और कोई अच्छा नहीं है, लेकिन गलत किसी के साथ नहीं करते हैं, ईगो बहुत होती है, मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करता बात, मैं नहीं करती बात, जैसे भी हो आप जेंडर वाइज देख लो। शादी करना चाहते हैं, क्लैरिटी मिलेगी कुछ लोगों के लिए, एक स्टेबिलिटी लाइफ में लाना चाहते हैं अपनी, बहुत लोग बहुत जो परेशानियाँ, हाँ बहुत लोग मतलब कि दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप के लिए मैं बता रही हूँ, अभी उनको कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी मिलेगी, फिर भी वो कन्फ्यूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग की वजह है वो, कभी लो हो जाते हैं कभी हाई हो जाते हैं, कभी लो हो जाते हैं कभी हाई हो जाते हैं, जब उनका दिमाग सही रहता है तो सोचते हैं हाई मेरे से बात हो जाए, मैं बात कर लूँ, जल्दी से कॉल आ जाए यार, मैसेज आए, बहुत मिस कर रहा हूँ यार अपनी डीएफ को, फिर जैसे ही कुछ होता है अपनी ईगो में आ जाते हैं, छोड़ परे रहने दे कोई बात नहीं ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा रन करते हैं वो, क्यों इतना डीप, इतना जो प्यार इनको दिखता है ना, हाई फ्रिक्वेंसी जो प्यार की अपनी डीएफ से मिलती है वो इनको कभी मिली नहीं ना, बचपन से नहीं मिली होती है, ना इनके सिबलिंग्स इनको प्यार करते हैं, ना रिलेटिव्स इनको प्यार करते हैं, ठीक है, और बहुत ही टफ लाइफ होती है एक तरह से बोलूँ तो, प्यार के लिए बस एक कंप्रोमाइज करके लाइफ को लेके आते हैं ये यहाँ तक, ठीक है, चाहे इनके माता पिता हो, चाहे इनके भाई बहन हो, चाहे इनके पार्टनर हो, स्पाउस जिससे भी शादी कर रखी होती है, ये यहाँ पे जो एनर्जी है ना काफ़ी पेनफुल एनर्जी है, बट
धोखे इनको बहुत मिले होते हैं, तो यही धोखा इनको मिला हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशानियों से निकल कर, लेकिन क्या है कि इतने पावरफुल सोल है भाई, मास्टर सोल है आफ्टर ऑल। तो फिजिकल बॉडी से अगर देखा जाए तो मेंटली तो परेशान हो सकते हैं ना, बट सोल तो इतनी स्ट्रांग होती है इनकी, ये पावर, ये स्ट्रेंथ उनकी होती है। और यही उन्होंने बता रखे, इसीलिए इतने स्लो भी होते हैं, बहुत दिमाग से सोचते हैं। अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत प्यारा सा कनेक्शन है, यार मैं भूल नहीं रहा हूँ, मेरे को बहुत मन कर रहा है इससे, अपनी डीएफ से बात करने का, अपने पार्टनर से बात करने का मन कर रहा है, बट कहीं ना कहीं इस इंसान के दिमाग में क्या होता है, ईगो, दिमाग से सोचेगा, माइंड लगा लगा के थकता ही नहीं है ये इंसान कि भाई बात कर ले, बट क्या करें ना, डिवाइन नहीं चाहता अभी, क्योंकि आप लोग ही बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग रेडी हैं अपने ट्विन से बात करने के लिए? बताओ, रिकंसिलिएशन या रीयूनियन के लिए आप रेडी हैं तो बताओ, आपके पार्टनर आ जाएंगे? अभी डिवाइन तो चाहता है कि आप लोग मिलो, तो आपके पार्टनर नहीं आते हैं, तो इसीलिए तो उन्होंने रोक के रखा है। उनकी गलती भी नहीं है, ईगो भी जो भी होती है भगवान की दी होती है, भाई तेरे अंदर ईगो भरूंगा तभी तू जाके इधर, नहीं तो भागा चला जाएगा अपने डीएफ के पास, क्योंकि उनकी सोल है भाई, सोल को सोल की क्रेविंग होती है। डिवाइन क्या करते हैं, उनको ईगो में डाल देते हैं या ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, बिल्कुल डिटैच करवा देते हैं उनकी सोल को। यहाँ पर यही है, स्लो यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे इसीलिए कि आप अपनी ग्रोथ नहीं करते हैं गाइस। जो डीएफ्स होती हैं वो अपनी ग्रोथ नहीं करती, अपने इश्यूज हील नहीं करती हैं, डिवाइन से अलाइन नहीं होती हैं। डिवाइन को भाई, डिवाइन कहेगा मुझे तो भूल गई है जिस काम के लिए मैंने भेजा था, है ना, डीएम हो रही है इसकी, ले तू डीएम कर ले, अचार डाल ले, अब डीएम का देता नहीं मैं। तो बेटा जी मैं यही कहती हूँ सीधी सिंपल भाषा में, मैं सिंपल सा प्राणी हूँ भाई, देखो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि आपको डिवाइन को ही पटाना है। पटाना मीन्स मम्मा प्लीज, पापा प्लीज, प्लीज चलो मैं आपका काम करती हूँ, आप फिर कर दोगे मेरा काम ही, चलो मैं फिर मैं आपके काम करती हूँ, फिर आप मेरा काम कर दोगे, मुझे खिलौना दिलवा दोगे, मुझे फलाना चीज़ दिलवा दोगे, हाँ हाँ कर तो सही, दे दूंगा, फिर आप करने लगते हो। जब करने लगते हो उनका काम तो डिवाइन खुश हो जाते हैं, मम्मा पापा खुश हो जाते हैं, फिर आपके डीएम आपके पास आ जाते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पर यही एनर्जी है, उनकी पावर उन्होंने बना के रखी होती है, शादी आपसे करना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपके पार्टनर है, सोल आपकी है गाइस, है ना, आप एक ही सोल हैं, तो आपकी सोल आपकी सोल से कैसे अलग हो सकती है, है ना, वो तो आप ही हो, आप ही हो, यानी कि आई एम माई ट्विन फ्लेम, यू आर योर ट्विन फ्लेम, यस। तो रिकंसिलिएशन यहाँ पे बात करने का मन कर रहा है उनका, बट कहीं ना कहीं अपनी थर्ड पार्टी से भी बना के रखना चाहते हैं यार, वो कहीं गुस्सा ना हो जाए, नेगेटिविटी से भरे रहते हैं इसी मारे, एक हौच पौच सा दिमाग रहता है, सोच उनकी समझ नहीं आता, क्लैरिटी चाहिए है ना, क्लैरिटी भी चाहिए, खुश भी रहना चाहते हैं, खुश किसके साथ रहेंगे, अपनी सोल के साथ, अपनी डीएफ के साथ, आपके साथ, यानी जो मेरे व्यूवर्स ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट है ना। तो ये नेगेटिविटी छाई रहती है, क्यों, जकड़ के रखने की कोशिश करती है ना थर्ड पार्टी, तो कहीं ना कहीं वो उधर आपकी तरफ जैसे ही खींचते हैं, कहीं ना कहीं वो उधर को मैनिपुलेट कर लेती है, बट ये क्लैरिटी तो उनको मिलेगी मिलेगी, ये तो डिवाइन की जर्नी है भाई साहब, ये कोई थर्ड पार्टी हो, कोई सी भी नेगेटिविटी हो, रावण जैसा नहीं रहा तो फिर इनकी क्या औकात है ना, समझो इस बात को, डरा मत करो, ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, भगवान के आगे कोई चीज टिकी है क्या? जब आप लोग भगवान का नाम लेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, और ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वर से डायरेक्ट आप जुड़े हुए हो, तभी तो कहती हूँ डिवाइन को एक बार हाँक तो मारो, हाँक मारना मतलब आवाज लगाओ दोस्तों, हाँक मारो, हे प्रभु मैं तेरी बच्ची हूं, मैं तेरे रास्ते पे चल रही हूं, तू देख तू संभाल, तो ये नेगेटिविटी कहां जाएगी। हीलिंग आपके जो डीएम साहब हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से हो रही है, आपको विश की तरह मांग रहे हैं, एज अ विश वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि शादी भी आपसे करने दो आ गया, फोर ऑफ वॉन्ट्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ट्स, आपसे शादी करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी तो गई भाई साहब, थर्ड पार्टी तो अब जा रही है, डोंट वरी,
क्योंकि आप ही को स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि दिल में तो आप ही के लिए सब कुछ है। थर्ड पार्टी तो वो अपनी एनर्जी वहां पर देते हैं आप से बचने के लिए, लेकिन आप वहां पर नहीं मिलते, यानी कि आपकी एनर्जी को उस थर्ड पार्टी में ढूंढते हैं, लेकिन वो एनर्जी वहां पे नहीं मिलती। थर्ड पार्टी तो बहुत मैनिपुलेटिंग होती है, ठीक है, वो तो उसको लेसन ही सिखाने के लिए आई होती है ना, तो वो चीज तो उनको मिलती नहीं है। एट द एंड ऑफ दिस जर्नी फिर आपके पास भागे चले आते हैं शादी कर ले मेरे से, या हम दोनों खुश रहते हैं, सोल पर्पस करते हैं, जो भी डिवाइन की मर्जी होती है। देखो ये बात मैं अभी ऐसे बोल रही हूँ, बट ये बहुत सीरियस बात है कि आपको एक सोल पर्पस मिला होता है, मकसद आपका सिर्फ ये है, ठीक है ना। प्यार होता है, ऐसा नहीं है आप जब लोगों में प्यार को, लव को स्प्रेड करने आए हो, लाइट को स्प्रेड करने आए हो, तो प्यार तो आपके बीच में होगा ही ना दोस्तों। सब कुछ है, प्यार भी है, सब कुछ है, बट आपका जो मेन मकसद है उसको नहीं भूलना है। आप सोचते मेरे ट्विन से मेरी शादी हो जाए, बताऊं मैं आपको, मेरे ट्विन से मेरी शादी हो जाए, बेटा जी अगर शादी हो जाती है ना तो सी सॉ की तरह होता है, ऐसे ही रहना है, यूं नहीं होना, बहुत कठिन टफ होती है। अगर आप तैयार हैं तो अपने ट्विन से शादी के लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, डिवाइन को मना सकते हो अगर आप रेडी हैं, वरना लाइफ टाइम के लिए आपकी सोल है। 5D से देखो, आप ही हो, वो आप ही हो, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है यार, समझो ना इस बात को भाई। जो हायर लेवल ऑफ सोलमेट होता है उनके अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी दोनों होती हैं इकट्ठी, वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होती हैं, ऐसे होती हैं, बताया उनको सिर्फ ऐसे करना होता है, वो कंप्लीट फील करते हैं और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम्स के में क्या होता है, दोनों सोल अलग होती हैं, फेमिनिन एनर्जी एक अलग बॉडी में होती है और मैस्कुलिन एनर्जी अलग बॉडी में होती है, ठीक है। आपको क्या करना है, जब फेमिनाइन एनर्जी जो होती है यानी कि DF जो होती है, इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है और इनको स्पिरिचुअल टेंपल पाथ मिलता है, और बोलते हैं उनको बोला जाता है, क्योंकि वो ही सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आती है कि मैं पहले जगूंगी, मेरी आंखें पहले खुलेंगी, तब मैं अपनी ट्विन को खींचकर अपने साथ लेके फिर मोक्ष की जर्नी है, यानी कि मोक्ष यानी कि हम फिर अपने घर जाना है, यानी डिवाइन के घर जाना है हमें एट द एंड, ठीक है। तो क्या होता है, आपकी जो DFs हैं वो अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करती हैं, अपने अंदर वो विल पावर लाती हैं, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाती हैं कि मैं ही मैस्कुलिन हूँ, मैं ही फेमिनिन एनर्जी हूँ। तो वो जब आपके अंदर बैलेंस होने लगती है, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी खींची चली जाती है, जब आप अपने अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस कर लेते हैं, तो वो जो मैस्कुलिन जो अदर हाफ बॉडी में है ना, वो आपकी तरफ कैसे खींचेगी, जब आप अपने अंदर उसको कैसे बैलेंस कर रहे होते हैं, तो वो आपकी तरफ को यूं आती है, धीरे धीरे यूं खींचती है धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो ये है यहाँ पर एनर्जी का गेम, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट। आई होप कि मैंने समझाने की कोशिश की है भाई अपनी भाषा में। आप लोगों के लिए मैं ही चाहती हूँ कि आप लोग कभी मिसगाइड ना हो, और मैं नहीं चाहती कि टैरो के चक्कर में मेरी एनर्जी उसकी एनर्जी, ये ठीक है, देखो भाई एनर्जी देखो, बिल्कुल आपको अच्छा लगता है और इस एनर्जी को देख के आप अपनी सोल ग्रोथ करो, दैट्स इट। चलिए मैं ये देखती हूँ कि आपके पार्टनर का क्या सीन है। अच्छा, आपके पार्टनर को मेरे ख्याल से अभी वो अपनी वेल्थ में यानी कि चीज़ों को सही करने में लगे हुए हैं जो उनकी बिगड़ गई थी, ओके। तो जुलाई तक उनकी ये जो जुलाई मंथ है, इस जुलाई में उनका ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। सितंबर में कुछ ना कुछ खुशियां उनकी लाइफ में आएंगी गाइस। मैरिज बिल्कुल उनके घर में मैरिज हो सकती है, या आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं फरवरी तक। प्रपोजल यानी एंगेजमेंट, प्रपोजल यानी कि आपको कन्फ्यूज भी कर सकते हैं आपके ट्विन पार्टनर या आपके सोलमेट, ठीक है गाइज। तो ये थी आप लोगों के पार्टनर की तरफ से एनर्जी ट्विन फ्लेम की, और अगर आप इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और इसको बहुत फिर से दोबारा वीडियो सुनो मेरी, फिर समझो, तिबारा सुनो फिर समझो, ठीक है। कभी मत घबराना, अगर आप इस जर्नी में हैं तो बिल्कुल आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, गट फीलिंग अपनी समझो कि ट्विन फ्लेम्स कैसे होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं, डिफरेंट सोल होते हैं, बिल्कुल सेम एक ह्यूमन बीइंग
की तरह, बिल्कुल एक मनुष्य की तरह लगते हैं यार, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, कोई एलियन तो है नहीं, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आप उनको देखोगे तो आप लोगों आपको लगेगा मैं इनसे इससे बात करता ही रहूं या करती ही रहूं, आपको उनसे बात करना अच्छा लगेगा। आप कहीं भी जा रहे हो और आप कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कहीं वहां पे खाली पड़ा है, तो आपकी इतनी तेज होती है ना लाइट ऑलरेडी, इतनी तेज होती है कि वहां पे सब भीड़ लगनी शुरू हो जाती है ना। आप किस दुकान में हो, अकेले खड़े हो, वहां पे 10-5 और आ जाएंगे। तो ये होते हैं तो इन्फ्लेम्स, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस जर्नी में हूं, तो आप इस तरह से हो सकता है कि आपको हेल्प मिले। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बिल्कुल खुश रहिए, मौज करिए, भगवान के बच्चे हो यार, भगवान से अलाइंड हो आप, ठीक है, डिवाइन के बच्चे हो, तो खुश रहो और जो करेगा वो अच्छा करेगा, बिल्कुल अच्छा ही होगा, अच्छा आपके फेवर में होगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू, जय माता दी।